रखिए बात कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। और जैसे हम देख रहे थे चौतरफा खरीदारी नॉन एग्री कमोडिटीज में देखने को मिल रही है। बुलियन मार्केट में सोने चांदी की चमक का लगातार तेज होते हुए तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही आप देखिए अगर तमाम एनर्जी पैक को भी अगर देखेंगे, नेचुरल गैस, क्रूड, यहाँ पर भी अच्छी बढ़त के पीछे कामकाज देखने को मिला है। ब्रेंट फिर से $86 के पार जाता हुआ दिख चुका है। घरेलू बाजार में भी अगर आप देखेंगे M6 में 6,350 के करीब 1% की मजबूती यहाँ पर देखी गई है। और कच्चे तेल की चाल जो है लगातार तेजी 6,363 के लेवल्स पर, आप यहाँ से भी आगे 0.25% की बढ़त पर ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। मांग के मुकाबले सप्लाई भी कम है, उत्पादन में कटौती है, जिसका असर है कि हम देख रहे हैं इनके प्राइजेस में देखने को मिल रहा है लगातार तेजी के बीच कामकाज है। ग्लोबल डिमांड में तेज रिकवरी जारी है, मांग काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और सप्लाई नहीं है, प्रोडक्शन के भी कट है, के चलते यहां पर हम देख रहे हैं अच्छी खासी तेजी है। महंगे कोयले और गैस की वजह से भी बढ़ोतरी कीमतों में यहां पर होती हुई दिख रही है। नेचुरल गैस में तेज उछाल देखने को मिला है। M6 पर नेचुरल गैस 6% से ज्यादा का उछाल देख चुका है। 417 के लेवल्स पर आप फिलहाल यहां पर ट्रेड देख पाएंगे। निचले स्तरों पर खरीदारी थी जो लौटी है। डिमांड में तेजी का अनुमान आगे भी जारी रहेगा। विदेशी बाजार के दाम रिकॉर्ड हाई से 19% तक गिरे थे, वहां से आप देखिए अब M6 पर नेचुरल गैस 416-417 के लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ। कॉटन ने नया रिकॉर्ड आज बनाया है, जिसके चलते ये भी आज खबरों में है। अगर आप देखेंगे यहां पर M6 पर कॉटन 32,000 के पार जाता हुआ दिख चुका है। 32,000 के लेवल्स पर करीब 580 अंकों की बढ़त के साथ यहां पर 1.5-2% तेज कॉटन M6 देखने को मिल रहा है। इस साल 50% से ज्यादा महंगे होते हुए कॉटन के दाम दिखे, इसका एक इम्पैक्ट इक्विटी मार्केट्स पर भी दिखा है, जो कि लगातार हम आपको बताते रहते हैं। महीने भर में ही अगर देखें तो 16% दाम चढ़ते हुए दिखे हैं। 2020-21 के लिए खपत अनुमान 5,00,000 गांठ का बढ़ाया गया है और एक्सपोर्ट अनुमान 1,00,000 गांठ बढ़ाकर 78,00,000 गांठ यहां पर कर दी गई है। तो मांग है और उसी के चलते हम देख रहे हैं यहां पर एक इम्पैक्ट बनता हुआ। लगातार तेजी कॉटन में देखी जा रही है, तेजी जो है यहां पर भी जारी है। 500 अंकों की बढ़त फिलहाल आप देख पाएंगे। बेस मेटल पैक का आपके टीवी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। चौतरफा तेजी यहां पर भी देखने को मिल रही है, चाहे अल्यूमिनियम, निकल, लेड, जिंक, कहीं पर भी आप देखें अच्छी खरीदारी के बीच ट्रेड यहां पर देखने को मिला है। कमजोर रुपए से काफी हद तक कीमतों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखा है और उतार चढ़ाव है, लेकिन फिर भी खरीदारी की तरफ लेवल्स जो है ज्यादा आते हुए दिखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 बड़ी बातें कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हमने आपको बता दी, अब बड़े 5 रिकमेंडेशन भी एक्सपर्ट की तरफ से जान लेते हैं। हमारे साथ केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया जी जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अजय जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर, अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। बुलियन मार्केट में लगातार तेजी हम देख रहे हैं और तेजी जो है थमने का नाम नहीं ले रही, सोने चांदी पर आपका नजरिया हम जानना चाहेंगे। गुड आफ्टरनून जी, देखिए सोने चांदी की बात करें तो ऑलरेडी देखा था मार्च तो फिजिकल मार्केट में इंप्रूवमेंट चल रही है, साथ में हमने देखा कि जो लास्ट वीक फेड चेयरमैन की स्पीच थी वहां पे भी हमने देखा कि एक कंसर्न दिखाई दे रहा है, कोरोना के भी केसेस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो ओवरऑल अगर समअप करें तो मार्केट के अंदर धीरे धीरे एक अच्छी तेजी बनी हुई है। इंटरनेशनल में $1,800 तोड़ने पे है, अगर 1800 का लेवल टूट जाता है तो डेफिनेटली 1856 तक का लेवल दिखा सकता है। डोमेस्टिक मार्केट में आज रुपए में जो थोड़ी बहुत गिरावट है वो भी सपोर्ट करे, तो हमें लगता है कि गोल्ड में करंट मार्केट से या 47,900 से भी लिया जा सकता है। इमीडिएट टारगेट तो 48,250 का है, बट अगले हफ्ते 10 दिन की अगर हम बात करें तो प्राइसेस 49,000 का लेवल तोड़ता हुआ दिखाई देगा। ओके, तो क्लियरली यहाँ पर 48,250 के टारगेट्स को मानकर आप चल सकते हैं। 47,700 के स्टॉप लॉस के साथ सोने में खरीदारी के मौके बनते हुए दिख रहे हैं। अजय जी, चौतरफा खरीदारी का मूड बेस मेटल्स पे भी बन रहा है, हर तरफ हरियाली यहाँ पर भी देखने को मिल रही है, मांग में लगातार बढ़त है जिसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं, कमजोर रुपए का भी सहारा काफी हद तक मिलता हुआ, बेस मेटल्स पर आपका नजरिया क्या है? देखिए बेस मेटल में ओवरऑल जनरली देखते हैं नवंबर दिसंबर में तेजी का रुख ही रहेगा, बिकॉज चाइना में हम देखते हैं कि प्रोडक्शन कटलमेंट, आउटपुट में भी कटलमेंट रहता है एनवायरमेंट कंसर्न को लेकर। बट कहीं ना कहीं कॉपर में हमें लगता है कि थोड़ा सा एक दो दिन पहले भी हमने पिछले हफ्ते में भी थोड़ा एक प्रेशर देखा, तो एक दायरा बना हुआ है जो 760 से 780 का दायरा है। तो आज प्योरली इंट्राडे के लिए मुझे लगता है कि कॉपर को बेच के चलना चाहिए 772 के करीब, 780 का स्टॉप लॉस रखिए, डाउनसाइड 762 का रहेगा, बट ध्यान रखिए ये प्योरली इंट्राडे रहेगा, ओवरऑल बेस मेटल में बाय ऑन ड्रॉप की स्ट्रेटेजी कंटिन्यू रह सकती है। ओके, कॉपर 772 के लेवल्स पर खरीदारी की राय, 762 के टारगेट्स को यहां पर आपको मानकर चलना है, 780 का एक स्टॉप लॉस लगाकर आप चले, ये राय फिलहाल बिकवारी की रणनीति कॉपर में आती हुई दिख रही है। 772 के स्तरों पर एक सेल कॉल इनिशिएट करने की राय, 760
62 के टारगेट से 780 का आपको एक स्टॉप लॉस मानकर चलना है। तेजी है यहाँ पर और इस तेजी पर स्ट्रेटेजी कॉपर पर यह बनती हुई, लेकिन साथ ही कच्चे तेल की चाल अगर देखें अजय जी, कॉन्स्टेंटली हम देख रहे हैं यहाँ पर तेजी जो है बढ़ती हुई दिख रही है। ग्लोबल मार्केट में डिमांड जो है उसमें भी लगातार रिकवरी आ रही है और मांग के मुकाबले जो सप्लाई है वो भी कम है। इसे समझते हुए घरेलू बाजार में 6361 के जहां लेवल्स हैं, 80 अंकों की तेजी है, क्या किया जाए? देखिए फंडामेंटल काफी मजबूत है, हमने देखा सप्लाई कांस्टेंट भी बनी हुई है और जिस ढंग से आपने भी कहा कि चाइना और यूरोप में जो कोल क्राइसिस और नेचुरल गैस क्राइसिस है वो भी एक ऑयल की डिमांड को बढ़ा रहा है, बट टेक्निकली मार्केट कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग दिखाता रहता है बार बार में, तो थोड़ा भी डिप मिले 6320 के करीब वहां पे लेके चलिए, ओवरऑल 6420 तक का लेवल लग रहा है, बट जिस ढंग से ब्रांड में वापस 85 के ऊपर ब्रांड निकला है कहीं ना कहीं $90 का लेवल जल्द दिखा सकता है, तो ओवरऑल बायो की स्ट्रेटेजी अपना के चलिए क्रूड ऑयल में। बिल्कुल ठीक। कच्चे तेल की ही तरह नेचुरल गैस भी खबरों में है, तेज उछाल वहां पर भी नजर आ रहा है, क्या वहां पर भी सेंटिमेंट्स आगे चलकर पॉजिटिव लग रहे हैं अजय जी? देखिए आगे हमें देखना है कि वेदर कंडीशन कैसा रहेगा, हम जैसे कि जानते हैं कि विंटर काफी पीक पे रहेगी अगले 2 महीना, तो वहां पे विंटर में डिमांड ज्यादा रहती है, बट टेक्निकली इसमें भी वॉलिटिलिटी भी काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है और मार्केट में थोड़ा सा अभी भी एक टेक्निकल ओवरबॉट था इसलिए बार बार में करेक्शन ले रहा, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि अगले 1.5-2 महीने की बात करें तो प्राइसेस 350 से 450 का जो ब्रॉडर रेंज है इसी में रहेगी, आज के लिए भी बाय कर सकते हैं जो 720 से 22 तक का लेवल दिखा दे। ओके, तो क्लियरली बाइंग की राय यहाँ पर एनर्जी पैक पर, नेचुरल गैस और क्रूड दोनों पर आती हुई। और अजय जी साथ ही एग्री कमोडिटीज पर आपका टेक क्या है और एग्री कमोडिटी पर आपकी टॉप पिक आज के लिए फिर क्या होगी? एग्री कमोडिटी में दो कमोडिटी पे आपको ध्यान देना चाहिए, पहला है कॉटन सीड ऑयल केक, जैसे कि अराइवल बढ़ रहे हैं उम्मीद है कि मार्केट में गिरावट रहनी चाहिए, बट टेक्निकली अगर देखा जाए तो 2400 का लेवल तोड़ नहीं पा रहा है ना ही 2520 का लेवल तोड़ पा रहा है, टाइमिंग मार्केट एक दायरे में रहेगी उसी दायरे को देखते हुए आज बाइंग की रिकमेंडेशन है जो 2440 पे लिया जा सकता है, 2380 का स्टॉप लॉस रखिए, 2520 से 2540 का टारगेट रहेगा। वहीं दूसरी कमोडिटी है कैस्टर, ऑलरेडी हमने देखा इस बार स्विंग में नरमी है और धीरे धीरे जैसे इंडस्ट्रियल डिमांड कैस्टर ऑयल का बढ़ रहा है कैस्टर में काफी अच्छी बाइंग आ सकती है अगले 2-3 दिनों के अंदर, तो टेक्निकली भी देखिए तो 6400 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है तो ये लेवल पे ले सकते हैं, 6300 का स्टॉप लॉस रखिए, 1 से 2 दिन का नजरिया रखिए, 6600 का लेवल जल्द देखने मिल जाएगा। ओके, तो क्लियरली ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई एग्री कमोडिटी पर भी मिल रही है। एनसीडीएक्स पर कैस्टर आप देखिए 6422 के लेवल्स पर ये ट्रेड करता हुआ, और साथ ही यहाँ पर जीरे के वायदे में भी खरीदारी की कॉल आती हुई, दोनों कॉल्स खरीदारी की तरफ। लेकिन अजय जी आज क्योंकि खास तौर से हम बुलियन मार्केट, सोने चांदी, फेस्टिवल सीजन से पहले निवेश की बात लगातार करते हैं, गोल्ड बॉन्ड की 7वीं किश्त जो कि आज से खुली है, इस पर आपका टेक क्या है, क्या लगता है एक विकल्प के तौर पर इसे कैसे देखा जाए बुलियन मार्केट, या फिर किसी को अगर प्रेशियस मेटल में निवेश करना है तो? देखिए करंटली अगर हम इन्वेस्टमेंट ओरिजिनियम की बात करें तो इक्विटी मार्केट ऑलरेडी ओवरहीटेड है और प्रॉपर्टी मार्केट में टिकट साइज भी ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं अट्रैक्टिवनेस बनता है वो गोल्ड बनता है, साथ में गोल्ड सोवनियर बॉन्ड में आपको जो इंटरेस्ट एलिमेंट मिलता है ये एक वैल्यू एड करता है, पिछले साल के मुकाबले सोना इस वक्त 3 से 4 हजार SBG में सस्ता मिल रहा है, तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है, और जिस ढंग से पिछले 1.5 सालों में हमने देखा कि डिजिटल माध्यम से पार्टिसिपेशन ज्यादा बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं जो कोरोना का कंसर्न भी बना हुआ है उसके चलते भी डिजिटल में गोल्ड सोवनियर बॉन्ड की डिमांड भी बढ़ रही है, तो ओवरऑल मुझे लगता है कि अगर कोई 2 साल का ओवरव्यू लेके चलता है तो मुझे लगता है कि गोल्ड ये करंट लेवल पे भी लेना चाहिए, जो अप साइड में मुझे लगता है कि अगले 1 साल के अंदर 53,000 से 54,000 तक का लेवल आराम से दिखा सकता है। बिल्कुल, और करेंसी फिलहाल जो रुपए के अपडेट हम देखते हैं उसका क्लियर इंपैक्ट है तमाम कमोडिटीज पर आता दिखता है, करेंसी पर आपका आउटलुक क्या है? देखिए डेफिनेटली अगर हम अक्टूबर वायदे की बात करें तो 75 के ऊपर इस वक्त ट्रेड कर रहा है यूएसडी, कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स से एक अपडेट आना बाकी है, बिकॉज पिछले कुछ दिनों में हमने देखा 93.50 94.50 के बीच में ही डॉलर इंडेक्स ट्रेड करता हुआ दिखाया, थोड़ा सा डेटा पॉइंट को देखते हुए पैसिमिज्म जरूर बना हुआ है डॉलर में, बट कहीं ना कहीं आज हमने रुपए में जो गिरावट देखी है ये एक मार्केट को रेंज बाउंड क्रिएट करता है, तो आई थिंक थोड़ा एक रेंज में रहेगा जो 74.80 से लेकर 75.20 का जो दायरा है इसी में USD/INR अक्टूबर मंथ ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल अजय जी, यहाँ पर जीरे पर तो आपने खरीदारी की राय एग्री कमोडिटी में देखी लेकिन दे दी, लेकिन ग्वार पैक की अगर बात करें वहां पर भी तेजी जो है बिल्कुल जारी है, और ग्वार पैक में करंट लेवल्स को देखते हुए आगे क्या नजरिया बन रहा है? ग्वार सीड इनफैक्ट यहाँ पर हल्की सी बिकवाली अब दिखा रहा है, 6680 के लेवल्स पर कामकाज है।
देखिए गवाल में हम देखें तो पिछले 6-8 महीने से हमने कंटिन्यू बाइंग ही अपॉर्चुनिटी ढूंढने में कोशिश की और अच्छा जंप भी मिला है। बट करंटली हमें लगता है थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। जिस ढंग से हमने अगस्त सितंबर में एक बड़ी रैली आती हुई देखी है, ये कहीं ना कहीं कॉशियस के साइन है। बिकॉज ऑलरेडी अगर हम गवार की बात करें, पिछले 4 महीने में गवार गम में हमने करीबन 6,000 से 13,000 का लेवल ऑलमोस्ट छूते हुए देखा, तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल कंजम्पशन कमोडिटी है ये, तो वहां पे एक इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो टाइमिंग थोड़ा सा कॉशियस रही है। आई एम नॉट कंफर्टेबल विद करंट लेवल टू बाय इंट्राडे। ठीक है मार्केट में मूवमेंट है, बट अगर कोई 15-20 दिन महीने भर का व्यू लेके चलता है तो आई थिंक थोड़ा सा कॉशियसनेस है करंट लेवल पे, वेट कीजिए। गवार गम की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि 11,000 10,500 का एक बेस, वहां तक एक बार पुल बैक आना चाहिए। और गवार सीड में भी हमें लगता है कि प्राइजेस के अंदर एक पुल बैक रहेगा जो करीबन यहाँ से 500-600 पॉइंट की गिरावट दे सकता है। ओके, तो गवार पैक में कॉशियस नजरिया अपनाने की राय जय जी की तरफ से आती हुई। जय जी शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और साथ ही अपने रिकमेंडेशन हमें बताने के लिए। इसी के साथ कमोडिटी सुपरफास्ट में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप कहीं ना जाएं, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।